अरे यार 5 मिनट में इंटर को मुझे टाइप ही नहीं बांधनी आती, ऐसे तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे वो। अब किससे बनवाऊं यार, 5 मिनट रह गए। यार आपको टाई बांधनी आती है? अरे यार टाई भी नहीं आती। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? सर आपको टाई बांधनी आती है? टाई नहीं बांधनी आती यार, मेरी आज जॉब लगी है तो मुझे आती नहीं है बांधनी। अंकल सलाम अलैकुम, आपको टाई बांधनी आती है अंकल? आती थी, आती थी। क्या करें, शायद आज 5 मिनट में मेरा इंटर हुए, मुझे आती नहीं है। क्या हाल है भाई? यार आपको टाई बांधनी आती है, 5 मिनट मेरा इंटरव्यू में लेट हो रहा हूँ बहुत ज्यादा यार। 10-12 साल हो गए, ट्राई करता हूँ अगर हो जाता है। हाँ, इसको बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है यार, आप प्लीज बांध देंगे मुझे? बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है। किधर? 6 महीने से फारिग था मैं, अब जाके मिली है। कॉल सेंटर में जॉब है मेरी। हाँ अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आप प्लीज दुआ कीजिएगा कि इंटरव्यू मेरा हो जाए। मेरा इंटरव्यू, मुझे टाई नहीं बांधनी आती। बचपन में भी स्कूल जाता था तो अम्मा बांध के देती थी। नहीं नहीं, मैट्रिक में तो जल्दी कर दें ताकि लेट हो रहा हूँ यार। प्लीज ट्राई आती है आपको? काफी अरसा हो गया। ट्राई करें, शायद बन जाएगी सही यार। जैसी भी आती बांध दो यार, इंटरव्यू देने जाना, लेट हो रहा हूँ यार, आगे लेट हो चुका हूँ। देखें जरा मैं सही लग रहा हूँ कि मैं रिजेक्ट तो नहीं होऊंगा किसी वजह से? आप मुझे कुछ टिप्स देंगे कि जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे से आराम से और कॉन्फिडेंस हो के आप ना इंटरव्यू देना और इंशाल्लाह आपको जॉब जो है मिल जाएगी। हाँ कॉन्फिडेंस, जब आपने परेशान नहीं होना, परेशान आप जब आप परेशान हो गए ना तो समझ लो फिर आप फेल हो जाओगे। हाँ ये 4 मिनट रह गए अंकल, यही पर है। हाँ इधर ही है, पीछे पीछे वाली गली। आप अपने पे बांध के देखें, उससे आपको इसे बना दूंगे ना। अच्छा लाए पहन के आप मुझे अंकल थोड़ा सा वो बताए ना, क्या होना चाहिए, आप कैसे किस क्या वे होनी चाहिए मेरी भी। तो जी ऐसे मैं बोलूँगा, हेलो सर कैसे हैं आप, मेरा नाम राहिल बड्डी है, इस तरह ही बात करूँ ना। ये आपका एक्सपीरियंस होगा, आप मुझे बताएं थोड़ा सा कुछ टिप्स। अच्छा आप बटन लंबी हो गई, अरे अंकल सर जल्दी कर दें प्लीज। इधर सामने ही है, पीछे वाली गली। यार ये मेरे ख्याल से ये ठीक बन दी आप? यार मेरे ख्याल में तो सही है, मेरे को भी तुमने इतना घबराहट में डाल दिया। नहीं आप नहीं कर यार, मेरा तो इंटरव्यू है ना यार। ठीक है मगर असल में बस बना दे आपके साथ, मैं भी मतलब उसी चीज में। अरे नहीं नहीं आप नहीं घबराएं, पना दे यार, 3 मिनट रह गए हैं यार। बस यार आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अच्छी लग रही है टाई ये मेरे पे, माशाल्लाह अच्छी लग रही है। और ये शर्ट वगैरह सही है अंदर? यार थैंक यू वेरी मच यार, मैं लेट हो रहा हूँ बहुत। अच्छा, पैसे वैसे हैं आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं पैसे तो हैं मेरे पास यार, बस टाई नहीं बांधनी आती थी और इंटरव्यू के लेट हो रहा हूँ इस वजह से। मगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या नाम है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लो, मिल जाएगी जो। हाँ आप दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा बस यार। नहीं नहीं इंशाल्लाह मेरी दुआ है और इंशाल्लाह हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, मैं रुकता बस, मैं लेट हो रहा हूँ वरना। थैंक यू अंकल, थोड़ा सा बताएंगे इंटरव्यू में क्या, थोड़ा सा आपका एज एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि आपको जो है ना किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं? मैं अंकल मार्केट उधर जा रहा हूँ, जो मार्केटिंग करती है ना बैंक में, अपने बैंक की उस फील्ड में जा रहा हूँ। बैंक मार्केटिंग? हाँ बैंक मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये होगी होगी सही होगी। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं सही लग रहा हूँ? हाँ सही। अच्छा लग आप इधर ही होते हैं? जी, मैं अगर मेरा हो गया ना, मुझे लगता है होगा, आपने जितनी मुझे दुआएं दी है ना, तो मैं आपके लिए मिठाई जरूर लाऊंगा। जी जी बिल्कुल, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दें यार, बस हो गया थोड़ा सा, आप परेशान ना हो। ये ना रिलैक्स रहे, परेशान ना हो, खुदा बेहतर करेगा और आपकी मेहनत का रंग लाएगी। जी जी वो तो लाएगी, पर ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊं और मुझे बस हो गया रखने से पहले ही निकाल दे। देखिए माशाल्लाह टाई आपकी बन गई है। बन गई और आप स्मार्ट लग रहे हैं बहुत ज्यादा। स्मार्ट लग रहा हूं मैं? इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह पर्सनालिटी जो है वो इंटरव्यू पे बड़ा असर डालती है। अच्छा और आप माशाल्लाह स्मार्ट हो, ड्रेसिंग की वजह से नहीं मैं रह पाऊंगा, आपने टाई इतनी अच्छी बांधी है, थैंक यू वेरी मच। भाग के जाना पड़ेगा, कुछ बता दें मुझे अपना, आप बड़े लग रहे हैं मुझसे, एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, जो भी इंसान कोई भी करता हो वो मैं मायने नहीं रखता। आप अपना बेस्ट दीजिएगा जो है आपका। हाँ आप दुआ करें, मतलब जल्दी कर दें यार। बंद की है सही बिल्कुल। अच्छा ये मुझे जरा एक दफा दूर से, मैं तो देख नहीं सकता कि सही लग रहा हूँ मैं। थोड़ी और कर लूँ, लेट हो रहा हूँ बहुत ज्यादा यार, चलते चलते कर ले। तो थैंक यू यार,
दुआ कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है यार, कोविड की वजह से ना जॉब सही नहीं थी, अब जब मिली है तो डर लग रहा है कि टाई की वजह से ना रह जाऊं, क्योंकि मुझे टाई की वजह से जॉब भी जाती हो गई। थैंक यू यार, आप मेरे लिए दुआ करना कि मेरा हो जाए। हो जाएगा तेरा, टेंशन टेंशन तो होती है ना कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, 6 महीने के बाद मतलब कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है मेरा। देर से जाओ, ये देखिए मैं सही लग रहा हूँ, बेहतरीन लग रहा हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। और अगर ये नहीं नहीं पैसे है मेरे पास, जॉब के लिए जा रहा हूँ, कोई पैसों क्या, ये मेरा कार्ड है बिलाल बैदी, ये आपका अच्छा नहीं होगा यहाँ पे जॉब तो मुझे कॉल कर लेना। ये ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट ये दोस्त से ली है मैंने, ये मेरी, और ये टाई बांध के 6 महीने से अंकल काम नहीं है। आप कुछ मुझे गाइड कर देंगे, आप लोग भी लग रहे हैं ऑफिस भी यही है, उनको बता देंगे कुछ सवाल वगैरह, सवाल उनके ऊपर है आईटी के वाले, अंदर तो सर्जिकल कैश आ रहा है। चलें थैंक यू सर, थैंक यू, आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। कल मेरी सैलरी आई, सबसे पहले मैं बाइक लूंगा अपने लिए। देखिए आपको ये पता करेंगे ना अगर आपको क्या सही है ना सर, चलो थैंक यू सर, थैंक यू। आपको पता ये वो, और इसके अलावा जो आपको वो बता बैंक के बारे में वो कहेंगे मुझे, हाँ मार्केटिंग के बारे में तो आपको एक्सपीरियंस हो तो दुआ मेरे लिए कि मेरा हो जाए, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बताया मैंने सारा समझ लिया कि अपनी हॉबीज बताऊंगा, एक्टिविटीज बताऊंगा। अच्छा ये मुझे बताया, मैं सही लग रहा हूँ, थैंक यू। बहुत ज्यादा अबे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, रुको सही, इंटरव्यू है यार, टेंशन तो होगी ना, जितनी लोग हैं उतना और क्या होगा आपका यार, तो क्या करें यार, 6 महीने बाद नौकरी मिली है ये अभी। अबे भाई कोविड की वजह से आपको हालात इतने खराब हुए हैं, ऐसे चल रहा भाई सब कुछ यहां पे, जल्दी करते हैं यार प्लीज यार, जल्दी करते हैं, कोविड की वजह से ना अभी बड़े मसले हुए हैं, ये ना बात बन रही है लेकिन अच्छी बात, वो ये पकड़ी है यार, ये अंदर नहीं किया, अच्छा मैं कर लेता हूँ। बस ये टेंशन नहीं लो, हो जाएगा मसला हल यार, यार टेंशन घबराहट में, यार टेंशन तो होती है, बस ये टाई की हो रही थी कि टाई सही है, सही बन गई है ना, रिलैक्स होके जाओ, यार टेंशन तो होती है ना, पता नहीं कैसे कैसे सवाल करेंगे, वो रखेंगे नहीं रखेंगे, आगे मसले हो रहे हैं। देखिए मैं सही लग रहा हूँ, अच्छी लग रही है, ये बैग दे दें यार, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। टेंशन क्यों ले रहे हो, बट टेंशन नहीं लो, पता तो चल रहा है ना कि टाई पहनी हुई है, देखो यार मुझे एक दफा देखो मेरे लुक्स वगैरह सही, जॉब वगैरह देने जो हाय गाइस दिस, मतलब उनको बोलूंगा अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू यार, ये बैग दे, थैंक यू। तो गाइस मेरी टाई तो बन गई, और अगर आप लोगों के सामने भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग जरूर हेल्प करना, और अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जाने से पहले हमारे चैनल डम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना।